नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। पलेरा पहुंचे वाणिज्य कर मंत्री बृजेश सिंह राठौर ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के किसानों को प्रमाण पत्र बांटे और कहा कि जो किसान यहां नहीं आ पाए उन किसानों को घर जाकर प्रमाण पत्र वितरित किए जाएं। तहसीलदार साहब पटवारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन किसानों के घर ऋण माफी के प्रमाण पत्र देंगे। वहीं नगर के गल्ला मंडी प्रांगण में ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि हमारे किसान अब परेशान नहीं रहेंगे, हमारे युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे, अब मजदूर पलायन नहीं करेंगे बल्कि मजदूरों को काम दिया जाएगा। मंत्री बृजेंद्र सिंह का जैसे ही पलेरा में आगमन हुआ तो सबसे पहले तहसील कार्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद मंच पहुंचते ही कई कामों का शिलान्यास मंच के माध्यम से मंत्री जी ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में केवल मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, जैसे ही कांग्रेस की सरकार ने वचन पत्र में कहा था अभी तक 2 महीने में ही वचन पत्र पूरा किया जा रहा है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने कहा था 15-15 लाख रुपए हम किसानों के खाते में जमा करेंगे, जिन लोगों ने कहा था कि हम राम मंदिर बनवाने का काम करेंगे, धारा 370 हटाने का काम करेंगे और महंगाई को खत्म करने का भी काम करेंगे, क्या उनमें से एक भी काम हुआ? और उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं बस चुनाव के बाद सरकार को गिरा देंगे, 6 माह बाद गिरा देंगे, 1 साल बाद गिरा देंगे, तो मंत्री ने कहा कि सरकार गिराने वाली जनता है और ऊपर वाला है, कितने ही करोड़ों रुपए बर्बाद कर लो कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस सरकार को कोई नहीं गिरा सकता। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा वाले जितनी चाहे कोशिश कर लें। हमने कहा था कि हम इनको बढ़ाने का काम करेंगे और हम आपके बीच में आज ये कैसे कहते हुए हमें खुशी होती है कि इनकी राशि दोगुना करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है, इसको आगे भी हमें बढ़ाना है। गांव गांव में चाहे किसान भाई हो, चाहे हमारे छोटे छोटे बच्चे हो, जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, मां बाप को चिंता सताती रहती है कि बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो ऐसा ना हो कहीं रास्ते में चलते कोई बैल सिंह मारता हुआ चला जाए। आप सबको चिंता होती है क्या ऐसा ना हो कि रात में जानवर हमारे खेत में घुसाएं और खून पसीने की मेहनत से जो हमने खेती की है उस फसल को आवारा पशु चौपट करके चले जाए। आपकी चिंता वाजिब है और आपकी चिंता का ध्यान आपकी सरकार ने किया और हम आपसे कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी जो आपके प्रिय नेता हैं 1000 गौशालाएं तुरंत खोलने का काम की मंजूरी हम लोगों ने दी है ताकि हमारे किसान भाइयों को चैन से अपने घर पर सो सके, रात भर खेतों में लठ लेके जान जाना पड़े। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, अगर पलेरा हमारा नगर है